गाइस सत श्री अकाल सारे नु मैं रागिनी वेलकम बैक टू माय क्लास का नाम है मैजिक शॉप एंड आज की वीडियो है वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है वो है बाबा अरिजीत सिंह की शहीदी कथा वो है ऑलमोस्ट मुझे पता है क्या है और कैसा होगा वीडियो बिकॉज अभी तक मैं इतनी रिएक्शन कर चुकी हूँ सिख हिस्ट्री के ऊपर एंड सो देखते हैं क्या होगा बिकॉज आप लोग कुछ लोग न्यू हैं कुछ हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं कुछ बहु मान के फैंस हैं जो न्यू जनरेशन को नहीं पता पंजाबी सिख के बारे में जो पंजाबी प्रमुख को नहीं पता सिख कम्युनिटी क्या है एंड उनकी शहीदी कैसी रही है उन्होंने कितना कुछ फेस किया है कितनी प्रॉब्लम उन्होंने फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं सो उनके लिए वीडियो है सो आई होप उसको पसंद आएगा एंड स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अपने भक्तों के हरमन प्यारे शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को पंजाब के शहर गोइंदवाल में हुआ। चौथे गुरु श्री रामदास जी और माता भानी जी के घर जन्मे इस बालक ने बचपन से ही अपने शांत और विनम्र स्वभाव से सबको अपनी ओर आकर्षित किया। गुरु अर्जुन देव जी का बचपन अपने नाना श्री गुरु अमरदास जी की देखरेख में हुआ। उन्होंने अपने नाना जी से गुरुमुखी का ज्ञान लिया और इसके अलावा उन्होंने संस्कृत गणित और देवनागरी का भी ज्ञान हासिल किया। गुरु अर्जुन देव जी 19 जून 1579 ईस्वी को माता गंगा जी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। पृथ्वी चंद गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई थे। वे चाहते थे कि बड़े पुत्र होने की वजह से गुरु गद्दी उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव जी में उपस्थित ढेर सारे गुणों को देखते हुए उन्हें ही गुरु गद्दी पर विराजमान कर दिया, जिससे पृथ्वी चंद अपने छोटे भाई से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। कुछ समय के बाद गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए। गुरु गद्दी पर विराजमान होते ही गुरु अर्जुन देव जी ने सामाजिक कल्याण के काम करवाने शुरू कर दिए। श्री हरमंदिर साहिब बनवाया, श्री तरन तारण गुरुद्वारे की नींव रखवाई तथा सरोवर बनवाया। उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। श्री सुखमनी साहिब बाणी भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई। उन दिनों मुगल बादशाह अकबर का शासन था। गुरुजी द्वारा लिखा गया आदि ग्रंथ पढ़कर बहुत से मुसलमान लोग इतने प्रभावित हुए कि वे गुरुजी के शिष्य ही बनते चले गए। गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि गुरु अर्जुन देव जी द्वारा लिखे गए आदि ग्रंथ में इस्लाम धर्म की निंदा की गई है। ऐसा सुनकर अकबर गुरुजी के दरबार में पहुँचे और आदि ग्रंथ में अलग अलग अंग सुनने की इच्छा प्रकट की। अकबर ने कई अंग सुने। बाणी सुनकर ऐसा कहीं भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि इस्लाम धर्म की निंदा की गई हो, बल्कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया था और सबका मालिक एक निरंकार बताया गया। यह सब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पर संदेह किया था। वह पश्चाताप के लिए हरमंदिर साहिब पहुंच गए और 51 स्वर्ण मोहरें भेंट की, अपनी गलती की क्षमा मांगी। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को अकबर की यह बात अच्छी नहीं लगी। इतिहास में कहा गया है कि अकबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांगीर को दिल्ली का राजा बनाया गया। कट्टरपंथी मुसलमानों ने जहांगीर को भड़काया कि अगर पूरे भारत पर शासन करना चाहते हो तो मुसलमान धर्म फैलाना होगा और सिर्फ कूटनीति और शस्त्रों के बल पर ही भारत पर शासन किया जा सकता है। जहांगीर के दरबार में एक चंदूशाह नामक का ब्राह्मण था जो जहांगीर का खास सलाहकार था। चंदू की बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन चंदू को उसके पंडित ने गुरु अर्जुन देव जी के बेटे हरगोबिंद जी के साथ विवाह करने की पेशकश रखी। चंदू शाह ने पंडित को उस रिश्ते के लिए तुरंत मना कर दिया और हंसते हुए बोला, गुरु अर्जुन देव जी तो स्वयं लोगों के दिए दान से अपना घर चलाते हैं, तो मेरी बेटी ऐसे घर में कैसे सुखी रह सकती है।
अपनी बेटी की बढ़ती हुई आयु को देखकर वे कुछ साल बाद गुरु अर्जुन देव जी के बेटे के साथ रिश्ता करने के लिए पहुंच गया। गुरु अर्जुन देव जी चंदू शाह के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने वह रिश्ता करने से साफ मना कर दिया। इस बात से चंदू शाह के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उसके मन में गुरु जी के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी और वह उनका विरोधी बन गया। जहांगीर की सोच, उनकी नीतियाँ अपने पिता अकबर से बिल्कुल विपरीत थी। गुरु अर्जुन देव जी के भाई पृथ्वी चंद जहांगीर को अपने भाई की सारी खबरें पहुँचाया करते थे। जहांगीर गुरु जी का सबसे विरोधी बन गया। वह बहाना ढूंढ रहा था कि किसी बहाने से गुरु जी पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बंदी बना लिया जाए। जहांगीर ने लगातार गुरु जी को सम्मन भेजने शुरू कर दिए। गुरु जी समझ चुके थे कि यह संकेत शुभ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी को गुरुगद्दी सौंप दी। फिर वे जहांगीर के दरबार हाजिर हुए। जहांगीर ने गुरु जी को आदेश दिया कि आपको आदि ग्रंथ में कुछ बदलाव करके हिंदू और मुसलमान के बारे में लिखी सारी बातें हटानी होंगी और फिर से आदि ग्रंथ लिखना होगा। गुरु जी ने जहांगीर की बात अस्वीकार कर दी, जिसे सुनकर जहांगीर ने गुरु जी को अपना बंदी बना लिया। चंदू तो पहले ही ईर्ष्या में जल रहा था। उसने जहांगीर से इजाज़त लेकर गुरु जी को अपने घर लाहौर ले गया। वहां जाकर उसने गुरु जी को बहुत यातनाएं देनी शुरू कर दी। पहले दिन गुरु जी को भूखा रखकर यातना दी और ना ही किसी से मिलने दिया गया और ना ही उन्हें सोने दिया गया। दूसरे दिन उसने गुरु जी को उबलते पानी की देग में बिठा दिया। गुरु जी के कराहने की आवाज़ सुनने के लिए चंदू गुरु जी के पास आया तो उसे सुनाई दिया सतनाम श्री वाहेगुरु, जबकि गुरु जी बड़ी शांत और अडोल अवस्था में परमात्मा के नाम में लीन थे। वह महीना बहुत गर्मी का था। सारे दिन उबलते पानी में बैठने से गुरु जी का सारा शरीर छालों से भर गया। तीसरे दिन चंदू ने गुरु जी को गर्म लोहे के तवे पर बिठा दिया। गुरु जी की ऐसी हालत देखकर उनसे मुस्कुराकर बोला कि अगर आपने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराया ना होता तो आपकी यह दशा ना होती। उन हैवानों ने अपनी पूरी हैवानियत दिखाई और गुरु जी के केशों में गरम गरम रेत डाल दी। यह बात पूरे लाहौर शहर में आग की तरह फैल गई। जब वहां गुरु जी का प्यारा भक्त मियां मीर पहुंचा, जो कि लाहौर का ही रहने वाला था, उसने गुरु जी की ऐसी दशा देखी तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तब गुरु जी ने मियां मीर से कहा कि देखो, तुम्हारे शहर लाहौर में मेरा कितना सम्मान किया जा रहा है। यह सुनकर मियां मीर फूट फूट कर रोने लगे और गुरु जी के पास आकर बोले कि महाराज जी आज्ञा दें कि मैं इन दुष्टों को जड़ से ही ख़त्म कर दूं। तब गुरु जी ने उसे कहा कि रब के हुक्म को स्वीकार करना चाहिए। मियां मीर ने गुरु जी से फिर कहा कि आप दुष्टों के जुल्म क्यों सहन कर रहे हैं, आप हुक्म दें तो मैं अपनी शक्तियों से इन सब का नाश कर दूं। तब गुरु जी ने मियां मीर से कहा कि ये सारी यातनाएं इसलिए सहन कर रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ी को यह उदाहरण दे सकूं कि दुख में प्रभु के खिलाफ जाकर धैर्य नहीं खोना चाहिए और प्रभु के हुक्म में ही रहना चाहिए। ऐसी बात सुनकर मियां मीर गुरु जी की प्रशंसा के गीत गाने लगे। गुरु जी इतने भयानक यातनाएं सहन करते हुए भी लगातार कहते रहे, तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, जिसका अर्थ है हे प्रभु, जो कुछ आप करते हैं वो मुझे सही लगता है। हे नानक, आप मुझे अपने नाम का खजाना देने की कृपा करें। उनके सारे भक्त उनकी यह अवस्था देखकर तड़प रहे थे, परंतु बेबस थे। अगले दिन चंदू को गुरुजी को कठिन यातना देने का सोचा। उसने अपने सेवकों से गाय की चमड़ी लाने को कहा ताकि गुरुजी का मुंह चमड़ी में लपेटकर दम घोट दिया जाए।
उसी समय गुरु जी ने रावी नदी में स्नान करने की इच्छा उनके आगे प्रकट की। चंदू ने सोचा कि छालों पर ठंडा पानी पड़ने से गुरु जी को अत्यधिक पीड़ा होगी, इसलिए उसने स्नान करने की अनुमति दे दी। कहते हैं 30 मई 1606 ईस्वी के दिन गुरु जी के भक्तों ने अपने प्यारे गुरु जी को रावी नदी में उतरते देखा और महाराज जी डुबकी लगाकर सदा के लिए नदी में समा गई। यह दृश्य देखकर उनके भक्त कह उठे, धन गुरु जी, आप सबसे महान हैं। गुरु जी ने वास्तव में सारी दुनिया के सामने यह उदाहरण पेश किया कि सिख सच की खातिर कुर्बान होना निरंकार का हुक्म समझता है और स्वीकार भी करता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सो गाइस, यह वीडियो सच में काफ़ी अच्छा था। इतनी यातनाएं देने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कंप्लेन नहीं की। और आजकल के जनरेशन इंक्लूडिंग में थोड़ी सी कुछ होता है, भगवान क्या है, क्यों कर रहे हो, इवन अभी तब होता है ऐसा। एंड कितना कुछ हुआ साथ में उनके, अकबर ने उस टाइम पे उनकी बातों को, उनको बुक को जो पढ़ा और बोला सब कुछ भी नहीं है। एंड जो थे ना वो चुगलखोर लोग, जैसे यहाँ पे चंदू चुगलखोर, सो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ही मतलब अपना बदला लेने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसी तिकड़म खेलते हैं, ऐसी सब प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि बाबा अजय सिंह को इतनी सब प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ दिस चंदू। सो अच्छी लगी मुझे और काफ़ी कुछ मुझे इतने पता था एंड कुछ चीज़ें मेरे को भी जानने को मिला। सो थैंक यू फॉर गाइज फॉर लवली रिक्वेस्ट, आई होप सबको पसंद आएगा। एंड जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको नहीं पता पूरी कहानी या पूरी स्टोरी या बाबा जी के बारे में, तो वो ये वीडियो देखें, उनको समझ आएगा पूरी स्टोरी। एंड जिनके भी यंगस्टर हैं जिनको दिखाना है, बच्चों को समझाना है, वो दिखा सकते हैं वीडियो, उनको भी समझ आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा देख के। बिकॉज बोलने से अच्छा होता है उनको फ़ोन दे दो या लैपटॉप दे दो, वो अच्छे से अपना देख लेंगे, उनको देखना होता है। एंड जब उनको बोलो उनको लगता है बहुत बोरिंग, क्या यार क्यों पका रहे होते हैं। सो अभी आपके हाथ में है, इसको दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।